कनारिया पुलिस ने कार में अवैध शराब ले जा रहे दो आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से 14 पेटी शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस को आरोपियों से और भी कई वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद है। कनाडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सलोनी गार्डन के पास महिंद्रा लोगान कार से अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा और रवि अहिरवार व अन्ना नाम के बदमाश को हिरासत में लिया। पुलिस को कार से 14 पेटी शराब मिली है जिसकी कीमत 50,000 से अधिक है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी से और भी शराब मिल सकती है। अवैध शराब को लेकर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी जिसपे थाना कनाड़िया की टीम ने एक महिंद्रा लोगान गाड़ी पकड़ी है जिसमें 14 पेटी देसी शराब है। दो व्यक्तियों को उसमें अभी गिरफ्तार किया गया है, रवि अहिरवार और अन्ना दुराई, दोनों इंदौर के रहने वाले हैं और गाड़ी के साथ उनको पकड़ा है। आगे विवेचना की जा रही है। कहाँ से लाए थे, किसे देने? अभी उनके द्वारा बताया गया था कि कोई एक व्यक्ति था जो उनके साथ गया था, वो धार या बड़वानी जिले का उनको बता के ले गया था और वहाँ से शराब ली थी और इंदौर में कनाड़िया ओवर ब्रिज के आगे कहीं डिलीवरी करने वाले थे, तो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इनके ऊपर कोई पूर्व में भी इस तरह अभी उनका पूर्व रिकॉर्ड नहीं है और आज पुलिस रिमांड लेके उन पर आगे विवेचना की जा रही है।